वज़ीर-ए-आज़म ने सियाहत के फरोग और सकाफती विरसे पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें सियाहत के फरोग और सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए मेलों अदमी महफिलों पर मुश्तमिल प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि प्रोग्राम पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए संगमील साबित होगा। शहबाज शरीफ को PAC चेयरमैन बनाना सबसे बड़ी गलती है। शेख रशीद ने कहा है कि मेरी चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि मुकदमा को तेजी से निपटाया जाए। आसिफ जरदारी का केस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जो भी कर लें अब इनको कोई नहीं बचा सकता। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियाद पर सजा मौतली की दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की सजा मौतली की पहली दरख्वास्त 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। दरख्वास्त के मतन में तिबी बुनियाद पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदाद की गई है, जबकि मौकफ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ आरज़े कल्ब में मुब्तला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है, जबकि नैब एहतसाब अदालत और सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल को फरीक बनाया गया है। अमीर मुकाम की तमीराती कंपनी के खिलाफ तहकीकात के लिए FIA की 4 रुकनी टीम तश्कील। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम की तमीराती कंपनी के खिलाफ तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकाती अदारे FIA की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। गुजरावाले में मुसाफिर बस को एक हादसा। गुजरावाले में मुसाफिर बस को हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 20 जख्मी। गुजरावाले में हादसे का शिकार बस जड़ावाला से सियालकोट एयरपोर्ट अजमीनी उमरा को लेकर जा रही थी कि मुसाफिर बस तेजी के बाइस उलटने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। कराची में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी की 3 बोगियाँ पटरी से उतर गई। कराची में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने दूसरी फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह किया था। हफ्ते की सुबह ही कराची से सामान लेकर रवाना होने वाली इस ट्रेन की 3 बोगियाँ ड्रग रोड के करीब उतर गईं। फारूक सत्ता ने गैरकानूनी तामीरात को तोड़ने के खिलाफ आवाज़ उठा दी। MTM के साबिक रहनुमा फारूक सत्ता ने कहा गैर कानूनी तामीर की जाने वाली इमारतें इस वक्त तोड़ी जाती हैं जब इसमें लोग आबाद नहीं होते। पंजाब में धुंध का राज। कराची में हल्की बूंदाबांदी, बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के कई शहरों में धुंध के बाइस रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात मुतासर हुए हैं। पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी धुंध ने डेरे डाल दिए। धुंध के बाइस पाकपतन की मुख्य शहरों पर कहीं कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा।